हेलो बच्चों, वेलकम टू द सीएम कॉम। तो बच्चों, आज हम जो हमारा लास्ट वाली वीडियो में जो टॉपिक बाकी रह गया था, आज हम उस बचे हुए टॉपिक की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो लास्ट वाली वीडियो में बच्चों हमने देखा था मांग के नियम के लागू होने के कारण। तो मांग के नियम के लागू होने के कारणों में दो कारण बच्चों हमने देख लिए थे, ठीक है। फर्स्ट है बच्चों सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये वाला कारण हमने लास्ट वाली वीडियो में देख लिया था। उसके बाद सेकेंड है बच्चों प्रतिस्थापन प्रभाव, ये भी बच्चों हमने लास्ट वाली वीडियो में बात कर ली थी ये वाले टॉपिक की भी। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है बच्चों आय प्रभाव, ठीक है। तो ये आय प्रभाव क्या होता है, ठीक है ना। तो बच्चों आय प्रभाव का मतलब मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ बच्चों, तो क्या होता है, जैसे किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है तो हमारी जो बच्चों आय है वो क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है। कि हमें जैसे मान लो, यूँ तो है नहीं कि वो हर दिन बढ़ रही है हमारी आय, या हर एक महीने में हमारी आय घट रही बढ़ रही। अगर बढ़ेगी भी सही तो साल भर में बढ़ेगी। तो क्या होता है बच्चों, जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो क्या होता है, जो बच्चों ग्राहक हैं उस ग्राहक की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्रय शक्ति बढ़ने का मतलब है कि पहले जो वो 50 रुपये में जितनी मात्रा खरीद पा रहा था, अब वो वही 50 रुपये में उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा, क्योंकि वस्तु की कीमत कम हो गई और जो वो जो ग्राहक है उस ग्राहक की क्रय शक्ति बढ़ गई, तो वो ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि जब भी किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस जो वो वस्तु है उस वस्तु की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। क्रय शक्ति बढ़ते ही हम उसकी जो मात्रा है वो हम ज़्यादा खरीद पाते हैं बच्चों, ठीक है। जो हम देखते हैं इसकी परिभाषा, तो इसकी परिभाषा में ये लिखा हुआ है, तो बच्चों जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो जो ग्राहक है ग्राहक की वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है। जो बच्चों उपभोक्ता है उसकी वास्तविक आय में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये वाली चीज़ को बहुत ही छोटे रूप में ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत जो है वो बच्चों कम होती है तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति, या हम ये बोल सकते हैं कि वास्तविक आय बढ़ जाती है। वही वाली बात कि वो क्या है, मतलब उतने ही पैसों में किसी वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीद पाएगा। पहले वो 50 रुपये में 5 इकाई खरीद रहा था, अब वो 50 रुपये में 10 इकाई खरीद पाएगा जब वस्तु की कीमत कम होगी, ठीक है। तो समान मौद्रिक आय पर वह ज़्यादा मांग खरीद पाएगा, ठीक है। तो जब वस्तु की कीमत कम होती है तो जो वास्तविक आय है वो बढ़ जाती है, और समान मौद्रिक आय पर वो क्या कर पाता है, ज़्यादा मांग कर पाता है। अब ये वाली चीज़ को अगर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो ये है कि एक ग्राहक के बच्चों, उस ग्राहक का नाम है एम, ठीक है। उस ग्राहक की जो आय है उसकी 40 रुपये, 40 रुपये आय, 40 रुपये आय है उसकी। अब उस आय पर वो क्या है, चॉकलेट खाने का शौकीन है। तो बच्चों वो चॉकलेट जिसकी कीमत 10 रुपये है तो वो कितनी चॉकलेट खरीद पाएगा, ठीक है। थोड़ी सी गणित तो आती होगी आपको, वो 4 चॉकलेट खरीद पाएगा, ठीक है बच्चों। तो 40 रुपये आए हैं, 10 रुपये की कीमत की चॉकलेट है और वो 4 इकाई खरीद पाएगा। अब क्या होगा, 40 रुपये ही जो उसकी इनकम है वो तो 40 रुपये रहेगी। अब क्या हो गया बच्चों, वस्तु की कीमत 10 रुपये से कम होकर, मतलब जो चॉकलेट थी उसकी कीमत 10 रुपये से कम होकर कितनी हो गई, 8 रुपये। तो 8 रुपये हो गए वस्तु की कीमत। अब 8 रुपये पे जो उसकी आय है वो तो वही है 40 रुपये, अब वो 5 चॉकलेट खरीद पाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हुआ क्या, हुआ ये कि वस्तु के यहाँ पर हुआ ये बच्चों कि वस्तु की कीमत में कमी आने पर, मतलब जो चॉकलेट की कीमत है उस चॉकलेट की कीमत में कमी आने पर मांग बढ़ गई। क्यों, क्योंकि उस उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ गई,
ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मांग का नियम है वो लागू हो गया कि वस्तु की कीमत में कमी आने पर मांग बढ़ जाती है, ठीक है ना बच्चों। तो सिंपल सी बात है, 40 रुपये में जहाँ वो पहले 4 चॉकलेट खरीद पा रहा था, वहीं वस्तु की जो कीमत है उस कीमत में कमी के फलस्वरूप वो क्या है, 5 चॉकलेट खरीद पा रहा है, ठीक है। तो एक टॉपिक तो ये आपका कंप्लीट। उसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपके अतिरिक्त उपभोक्ता। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटे रूप में इसको समझाया है, ठीक है, कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है बच्चों, तो कुछ जो बच्चों ग्राहक रहते हैं ना, वो पहले वो वस्तु जो उनके बजट में नहीं आ पा रही, काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, तो वो उस वस्तु को खरीद नहीं पाते। अगर हम पहले की बात करें, जैसे आप हो, आपके माइंड में कोई ऐसी वस्तु है जो आपकी मतलब इच्छा है कि हाँ यार मैं भी ये खरीदूँ, जैसे फ़ोन मान लो एप्पल का फ़ोन है, वो मतलब हमारी इच्छा होती है कि यार हम भी खरीदें, ठीक है। अब क्या होगा कि आप वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, दैट इज़ द रीज़न हम उसे खरीद नहीं पाए। लेकिन होगा क्या बच्चों, कि जैसे ही वस्तु की कीमत में कमी आएगी, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कि जो नए उपभोक्ता हैं वो उसकी मांग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले आपके बजट में नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब आपके बजट में आ गया, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों कि जब भी किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो नए उपभोक्ता उस वस्तु की मांग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो नए उपभोक्ता वो जो वस्तु है उसकी मांग करेंगे, और पुराने उपभोक्ता जो हैं वो और ज़्यादा मांग करेंगे, ठीक है ना। तो जो पुराने उपभोक्ता हैं वो और ज़्यादा मांग करेंगे उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुल मिला के जो है वो मांग में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पुराने वाले तो मांग कर ही रहे हैं, अब नए वाले और कर लें, ठीक है। जैसे मान लो कोई कोई सा फ्रूट है कोई सा, ठीक है, तो उस वस्तु की जो वो फल है उस फल की कीमत में कमी होगी, तो जो लोग उस फल को खरीद रहे हैं वो तो खरीदेंगे इसे, लेकिन जो उसे खरीद नहीं पा रहे थे वो लोग भी खरीदेंगे। तो कुल मिला के जो उस फल की मांग है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो पुराने वाले तो खरीद ही रहे हैं, अब क्या होगा, नए वाले भी खरीदेंगे, और पुराने वाले ये देख के, अरे यार कीमत तो कम होगी, तो वो पहले से ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों होता क्या है, जब भी किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो पुराने उपभोक्ता तो बहुत ज़्यादा मांग करते हैं, और जो नए उपभोक्ता हैं वो भी मांग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मांग में वृद्धि होती है, और ये वाली बात कि यहाँ पर भी वो जो हमारा मांग का नियम है वो लागू हो गया कि वस्तु की कीमत में कमी के फलस्वरूप मांग में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो मांग बढ़ रही है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आपका कंप्लीट। उसके अलावा बच्चों अन्य उपयोग, देखो ये वाली चीज़ को मैं आपको ऐसे बताता हूँ, कुछ वस्तुएं मतलब ऐसी होती हैं जिसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे दूध हो गया या बिजली हो गई। बिजली के कितने सारे उपयोग हैं, बिजली है तो बिजली से आप गीजर चला सकते हो, लाइट्स कितनी सारी चला सकते हो, टीवी देख सकते हो, ठीक है, और इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिजली से चलती हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही बिजली की कीमतों में थोड़ा सा भी परिवर्तन आएगा ना, बिजली की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा, ठीक है। मतलब हम वो जो बिजली की मांग क्या होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी या बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सर कैसे नहीं आया समझ में? तो देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही बिजली की कीमत बच्चों कम होगी, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले तो हम महत्वपूर्ण कामों में जो ज़रूरी है बिल्कुल, उन कामों में बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। अब क्या है, जो ज़रूरी नहीं है उन कामों में भी हम क्या कर लेंगे, उस बिजली का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे खाना बनाने के लिए तो गैस रहती है, लेकिन अब हम गैस का इस्तेमाल नहीं करके खाना बनाने में भी किसका, हम किसको उपयोग में लेंगे, बिजली को उपयोग में लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होता है
ये जो परिभाषा है वो देख लो आप। जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु का उपयोग अन्य उपयोगों के लिए बढ़ता है, क्योंकि वो सस्ती होगी ना। अब खूब लो भैया, खूब खूब लो उसे उपयोग, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली चीज़ तो हम घर पे देखते ही, जैसे मान लो कोई चीज़ महंगी हो जाए तो बोल देते हैं ना, अरे भैया इसका यूज़ में मत लो इसे ज़्यादा, ये वाली जो वस्तु है इसको ज़्यादा यूज़ में मत लो, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होता है, जैसे ही बिजली की कीमत कम होती है तो जो उसकी कुल मांग है वो क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही बिजली की कीमतों में कमी आई तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण कामों के साथ साथ जो महत्वपूर्ण नहीं है उन कामों में भी वो यूज़ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्टीमेटली जो हमारा मांग का नियम है वो लागू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये जो तीनों बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखो ये वाली वीडियो देखने के बाद वापस से पुरानी वाली वीडियो देखना, ठीक है, और वापस से पुरानी वाली वीडियो देख के एक बार उसका रिवीजन करके वापस से ये वाली वीडियो देखना, तब जाके आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे जो पांचों टॉपिक के वो पांचों टॉपिक कंप्लीट हो गए। सीमांत उपयोगिता, हास नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, अतिरिक्त उपभोक्ता और अन्य उपयोग, पांचों टॉपिक कंप्लीट होगी दो वीडियो। तो लास्ट वाली वीडियो देखें, फिर ये वाली वीडियो एक बार वापस से देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए CM कॉमर्स कोटा के साथ और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। डेली आपके लिए वीडियोस डाली जा रही है, तो बने रहिए CM कॉमर्स कोटा के साथ। थैंक यू वेरी मच।